खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना। फ्री होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 8969339666। हमारा पता है माँ गायत्री प्लाई, फर्स्ट फ्लोर, ऑटो स्टैंड, नवगछिया, NH 31। सभी तरह के फास्ट फूड जैसे रोल, चाउमीन, मोमोज, बिरयानी, नूडल्स, सभी तरह के चाइनीज फूड के लिए जरूर पधारें। सुंदरम फास्ट फूड, राजेंद्र कॉलोनी मोर, स्टेशन के सामने, नवगछिया। नमस्कार, मैं हूं निधि झा और आप देख रहे हैं GS न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं बिहार की 10 फटाफट बड़ी खबरों के साथ। नियम को अनदेखी कर नदी में डगमगाती ओवरलोड, नैया और काल के गाल में समाते लोग। बिहार के भागलपुर जिले में आज नाव हादसा हुआ है जिसमें अभी भी कई लोग लापता हैं। जब कभी कोई अप्रिय घटना घटती है तो घटना स्थल पर अधिकारी पहुंचकर लापरवाही करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की बात करती है, लेकिन कार्रवाई क्या होती है इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि हर बार नदी में ओवरलोड नाव हादसे की शिकार हो जाती है और कई लोग को अपनी जान गंवानी पड़ती है। आज भागलपुर में भी कुछ इसी तरह घटना हुआ। एक नाव पर सैकड़ों लोग सवार थे और बीच नदी में नाव डूब गया जिससे अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। हालांकि कुछ लोग तैर कर बाहर निकले तो कुछ अभी भी लापता हैं। पुलिस ने की थी आशुतोष पाठक की हत्या, थानेदार सहित कई पुलिस कर्मी दोषी किए जाएंगे बर्खास्त। बिहपुर पुलिस की पिटाई से इंजीनियर आशुतोष पाठक की मौत मामले की जांच लगभग पूरी हो चुकी है। चुनाव आयोग के निर्देश पर प्रमंडलीय आयुक्त वंदना किनी जांच कर रही है। अब तक की जांच से यह पता चला है कि आशुतोष की मौत पुलिस की पिटाई से हुई है। DM द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड ने भी पिटाई से मौत होने की पुष्टि की है। आयुक्त 9 नवंबर को अपनी रिपोर्ट निर्वाचन आयोग को सौंपेंगी। आरोपित थानाध्यक्ष रंजीत कुमार की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने कई ठिकानों पर छापेमारी की लेकिन वह गिरफ्त में नहीं आया। प्रचार का शोर थमने के साथ ही सील हो जाएगा बिहार नेपाल बॉर्डर। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए 2 चरणों का चुनाव हो चुका है। आज अंतिम चरण के चुनाव के प्रचार का शोर भी थम जाएगा। इसके मद्देनजर 7 नवंबर को होने वाले चुनाव के लिए हर दल ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसके साथ ही बिहार और नेपाल बॉर्डर सील कर दिया जाएगा। सुपौल के कई घरों में लगी भीषण आग, लाखों की संपत्ति जलकर राख। भीमपुर थाना क्षेत्र के भीमपुर केवला वार्ड नंबर 2 में गुरुवार को अचानक सुबह आग लगने से 10 परिवार के घर समेत लाखों की संपत्ति जलकर राख हो गई। इस अगलगी की घटना में एक मवेशी की भी झुलसने से मौत हो गई। वहीं अगलगी के दौरान रोशन कुमार यादव भी बुरी तरह से झुलसने से जख्मी हो गए जिसको ग्रामीणों ने नरपतगंज हॉस्पिटल भर्ती कराया है। इधर हो हल्ला सुनने के बाद आसपास के लोग घटनास्थल पर पहुंचे जहां आग पर काबू पाने की कोशिश की गई। हालांकि इस बीच आग के तांडव को देखते हुए लोगों ने इसकी सूचना भीमपुर थाना को दिया जिसके बाद करीब आधे घंटे बाद दमकल की गाड़ियों ने पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। लव जिहाद पर बोले गिरिराज, देश विरोधी ताकतों को रोकने के लिए बेहद जरूरी है यह कानून। बिहार में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान हो गया है। अब नेता तीसरे चरण के मतदान में रैलियों को संबोधित करने में लगे हैं। इसी कड़ी में आज गिरिराज सिंह ने लव जिहाद कानून पर बयान देते हुए कहा कि हिंदू संस्कृति को बचाने के लिए, देश विरोधी ताकतों को रोकने के लिए यह कानून बेहद जरूरी है। इसे जल्द से जल्द बिहार में लागू करना चाहिए। देश विरोधी ताकतों की आड़ में लव जिहाद समाज तोड़ रहा है, इसके लिए एक सख्त कानून बनाने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश में लोग लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने पर योगी सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं। सरकारी कार्य में बाधा डालने को लेकर भागलपुर के ईशाचक थाने में नगर विधायक और कांग्रेस प्रत्याशी पर केस दर्ज। भागलपुर में मतदान के दौरान भिखनपुर के सामने बड़ापुर रोड में वाहन में आवश्यक सेवा के लिए रखे EVM को देखते हुए हंगामे के बाद वहां सेक्टर दंडाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त वाल्मीकि कुमार ने ईशाचक थाने में निवृत्तमान नगर विधायक और कांग्रेस प्रत्याशी अजीत शर्मा सहित अन्य पर केस दर्ज कर लिया है। ओवैसी पर दिए गए बयान का कांग्रेसियों को मिला जवाब। कुशवाहा बोले, हमारे लोगों ने चूड़ियां नहीं पहनी।
दमदाह में चुनावी सभा करने पहुंचे उपेंद्र कुशवाहा ने ओवैसी के लिए दिए गए कांग्रेस के बयान पर सीधे चेतावनी दे दी है। पूर्णिया के दमदाह में रालोसपा उम्मीदवार रमेश कुशवाहा के समर्थन में उपेंद्र कुशवाहा पहुंचे थे। चुनावी सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा। तेजस्वी और चिराग पर जेडीयू का डबल अटैक। मंत्री नीरज बोले, लालटेन के साथ चिराग भी बुझेगा। जेडीयू प्रदेश कार्यालय में आज बिहार सरकार में मंत्री नीरज ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस वार्ता में उन्होंने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान पर जमकर निशाना साधा। नीरज कुमार ने कहा कि तेजस्वी यादव ने बिहार की जनता से 10 लाख नौकरी देने का वादा किया है, लेकिन उन वादे को पूरा कैसे करेंगे इसकी कोई बात उन्होंने नहीं की है। पीएम मोदी के आश्वासन के बाद भी छठ को लेकर असमंजस। डीएम ने कहा, उच्च स्तरीय चर्चा के बाद होगा फैसला। पीएम मोदी के आश्वासन के बाद भी छठ को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। गंगा घाट पर छठ पूजा की तैयारी नहीं हो रही है। प्रशासन और नगर निगम सरकार के आदेश का इंतजार कर रही है। तेजस्वी ने सवर्णों को दिलाया भरोसा, बोले सीएम बनने पर सभी को लेकर चलेंगे साथ। मुजफ्फरपुर के बोचहा में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि सवर्ण भाइयों समेत सभी से कहना चाहता हूं कि आप लोग मौका दीजिए, अगर मैं सीएम बनूंगा तो सभी को साथ लेकर चलूंगा। नौगछिया सहित आसपास के लोगों के लिए खुशखबरी, अब एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओई मार्ट है आपके लिए तैयार। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप व वेबसाइट से करें खुलकर खरीदारी, पाएं होम डिलीवरी। संपर्क करें 8340371177 7325052437।